में कुछ यूरोपियन गैंग वाले वाइस सिटी में भेष बदल के रह रहे हैं, छोटे मोटे काम कर रहे हैं। वो वाइस सिटी बैंक लूटना चाहते हैं, तुम उन्हें टपका दो, पता तुम्हारे मोबाइल पर भेजा जा रहा है। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज हमें फोन पे मिशन मिला है यूरोपियन गैंग वालों को टपकाने के लिए, तो देर किस बात की है दोस्तों। चलिए हम अपना मिशन पूरा करते हैं। टॉमी भैया, आपको क्या मिला है बताइए। ओए मुन्ना, टॉमी भैया क्यों बताएंगे, मैं बताता हूँ। टॉमी भैया को मिली एक स्नाइपर और उसके साथ एक और बंदूक, और हमें लोकेशन भी मिल चुका है। अब हमें यूरोपियन गैंग वालों को टपकाना है। हाँ भैया, देखिए एक येलो लोकेशन बिल्कुल सामने, ये कौन है? ओए मुन्ना, ये तो यूरोपियन गैंग वाला है। ए भैया, मैंने एक को टपका दिया। चलिए दोस्तों अब दूसरे येलो सर्कल पे चलते हैं आराम से, यहीं से घुमाऊंगा गाड़ी। मुझे बहुत सारे लोगों को टपकाना होगा, वरना ये यूरोपियन गैंग वाले शहर में हंगामा खड़ा कर देंगे। यहीं से आगे, यहीं पे रोकता हूँ गाड़ी। वो रहा मेरा टारगेट दोस्तों। ओए मुन्ना, स्नाइपर उठा और निशाना लगा, वो देख वो कार में बैठा है। हाँ भैया, हमें इसको टपकाना होगा, लेकिन निशाना ठीक से लगाना होगा। अच्छी जगह देखता हूँ, ये मारा मैंने गोली इसको। चलिए दोस्तों लगता है वो टपक गया। ए, क्या बात है दोस्तों, चलिए अगले टारगेट की तरफ चलते हैं। हमें अगले येलो सर्किल में जाना होगा। ओए मुन्ना, टॉमी भैया तो अब फोन पर भी मिशन लेने लगे हैं। ओए हाँ भैया, क्योंकि टॉमी भैया का नाम वाइस सिटी में काफी फेमस हो चुका है और सब लोग इनको जानने और पहचानने लगे हैं, इसीलिए अब वो लोग फोन करके भी इनको मिशन देते हैं, और टॉमी भैया पैसों के लिए सारे मिशन कर रहे हैं। दोस्तों एक और येलो सर्किल बिल्कुल पास में है, बिल्कुल सामने है येलो सर्किल, ये देखिए। मुझे स्नाइपर से इसको टपकाना होगा। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। ओए मुन्ना, कोई अच्छी जगह देख ताकि हम उनको टपका सके। हाँ भैया, यहीं पे देखता हूँ जगह, शायद ये अच्छी जगह होगी दोस्तों। निशाना लगाता हूँ, गाड़ी में दो जन बैठे हुए हैं, टपकाता हूँ। एक तो टपक गया है, दूसरे को भी मारूंगा। ये भी टपक गया है, उठ गया फिर से। अरे ये उठता क्यों है बार बार। ओए मुन्ना, दोनों टपक गए। ओए अब चल अगले येलो सर्किल पे चल। ओए हाँ भैया, चलिए बाइक घुमाता हूँ। हाय, मैं बाइक से गिर चुका हूँ। वाइस सिटी में बाइक चलाना खतरे से खाली नहीं है दोस्तों, यहाँ पर ठोका ठाकी चलती ही रहती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ता हूँ, मुझे जाना है अगले येलो सर्कल पे, यहीं से लेफ्ट एकदम सीधे आराम से गाड़ी चलाना है। बिल्कुल आगे, और भी आगे जाना है दोस्तों। लगता है ये टारगेट है, मैं फिर से गिर गया। अंधे हो क्या, गाड़ी देखकर नहीं चलाते पागल कहीं के? कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे पागल। ठोका ठाकी मेरा हेल डाउन कर दिया। ओए मुन्ना, मुझे लगता है कि अगला टारगेट समुंदर में है। ओए हाँ भैया, मुझे भी दिख रहा है कि वो एक शिप पे है, मुझे समुंदर के किनारे जाके निशाना लगाना होगा। चलिए अपनी स्नाइपर उठाता हूँ। ये रहा वो यूरोपियन गैंग का मेंबर, इसको भी मैंने टपका डाला। चलिए दोस्तों अब मुझे अगले येलो सर्कल पे जाना है। मुझे इस मिशन को पूरा करने के लिए दोस्तों सिर्फ 9 मिनट मिले थे, और अभी भी मेरे पास लगभग 4.5 मिनट बचे हुए हैं। अगला येलो सर्कल बिल्कुल पास में है, चलिए
आगे चलता हूँ। यहाँ से मुझको लेफ्ट मोड़ना होगा। चलिए दोस्तों आगे जाता हूँ। ओए मुन्ना, लगता है ये बाइक पे सवार है और भाग रहा है। हमें बाइक से उसका पीछा करना होगा। हाँ भैया, ये टारगेट तो बड़ा ही चालाक निकला। बाइक से भाग रहा है, पर मैं इस पर गोलियां चलाऊंगा। हट जाओ, सामने से हट जाओ, मुझे इसको टपकाना है। और भी गोली मारूंगा। है ये बाइक घुमा लिया। चलिए दोस्तों मैं भी बाइक मोड़ता हूँ, जल्दी चलता हूँ वरना वो भाग जाएगा। यहाँ से मोड़ूंगा मैं लेफ्ट। कहाँ भाग रहा है, सामने आता क्यों नहीं? मैं तुझको टपकाऊंगा, तू मेरा टारगेट है। ओए मुन्ना, संभल के गाड़ी चला, उसको टपकाने के चक्कर में हम भी टपक जाएंगे। हे भैया, हम टपक चुके हैं, अब मैं बाइक नहीं ये कार चलाऊंगा। चल हट, मुझे अपनी कार दे दे भाड़े पर, बाद में लौटाऊंगा। चलिए दोस्तों, येलो सर्कल बिल्कुल पास में है, यहीं से मोड़ता हूँ मैं राइट। अरे मैंने तो पुलिस वाले को कुचल दिया। ये देखिए बाइक वाला, अभी इस पर मैं कार चढ़ाऊंगा, कार से इसे कुचल डालूंगा। ओए मुन्ना, तू ये कर क्या रहा है? वो देख बाइक लेकर फिर भाग गया। ए भैया, और पुलिस वाले हमारे पीछे महंगाई की तरफ पड़ चुके हैं, हमें जल्दी से उस येलो सर्कल के पीछे जाना होगा। ओए मुन्ना, जल्दी भाग यहाँ से, वरना पुलिस हमें पकड़ लेगी और हमारा मिशन फेल हो जाएगा। ए भैया, कैसे भागूं? ये पुलिस वाले मुझको भागने ही नहीं देते। जाने दो ना मुझको यार। ओए मुन्ना, चल अब आराम से गाड़ी चला और पीछा कर उस आदमी का और उसे टपका डाल, फिर हमारा मिशन पूरा हो जाएगा। ओए हाँ भैया, चलिए यहाँ से लेफ्ट मोड़ता हूँ दोस्तों, और आगे जाना है। यहाँ से राइट मोड़ता हूँ, येलो सर्कल बिल्कुल पास में है, मुझे उसका पीछा करना है। कहाँ गया वो आदमी? लगता है वो पुल के ऊपर है, मुझे भी इस कार को पुल के ऊपर चढ़ाना होगा। चलिए चलिए दोस्तों, मुझे उसका पीछा करना है, मैं उसे फोड़ डालूंगा, टपका डालूंगा। मैं रास्ता भटक गया दोस्तों। चलिए, ये पुलिस वाले मेरा पीछा कब छोड़ेंगे? कोई मुन्ना, पुलिस वालों के चक्कर में पड़ा रहेगा तो मिशन पूरा नहीं होगा, जल्दी से उसे टपका दे। ए भैया देखिए, उसका बाइक एक्सीडेंट हो गया, अब हम इसे फोड़ डालेंगे, टपका डालेंगे। ये देखिए भैया, मिशन पास हो गया। चलिए दोस्तों अगले मिशन की ओर। ए टॉमी बेटा, ये डोनाल्ड डक है, और डोनाल्ड डक ही है टॉमी। टॉमी बेटा, वाइस सिटी में जमीन का कीमत बहुत बढ़ता जा रहा है, धंधा मंदा चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक हैतियन गैंग के सरगना को टपका डाला गया है, ये काम जरूर किसी कोलंबियन ने किया है। तो तुम जाओ गैंग वार कराओ, कोलंबियन गैंग का कपड़ा पहनो और हैतियन गैंग के सरगना का अंतिम संस्कार बर्बाद कर दो बेटा, फिर गैंग वार शुरू हो जाएगी और जमीन के दाम कम हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, हमें जाना है कपड़े की दुकान पर, और वहां जाकर हम कोलंबियन गैंग का कपड़ा खरीदेंगे, फिर जाएंगे हैतियन गैंग के सरगना के अंतिम संस्कार में। चलिए दोस्तों, मुझे जाना होगा स्टार फिश आइलैंड से भी पार, आराम से गाड़ी चलाऊंगा। ओए मुन्ना, हम क्या करने वाले हैं? हे भैया, आप मेरा कमाल देखते रहिए, मैं कैसे हैतियन गैंग के सरगना का अंतिम संस्कार बर्बाद कर डालूंगा। मैं उसे फोड़ डालूंगा, तोड़ डालूंगा। ओए मुन्ना, वो तो पहले से ही टपका हुआ है, अब तू क्या करेगा? हे भैया, मैं कुछ भी करूंगा पर अपना मिशन पूरा करूंगा।
चलिए दोस्तों, कपड़े की दुकान बिल्कुल सामने है, यहीं रोकता हूँ कार आराम से। चलिए अंदर चलता हूँ। टॉमी भैया तो बिल्कुल कोलंबियन लग रहे हैं, क्या बात है दोस्तों। अब चलिए हैतियन गैंग के पास चलते हैं और गैंग वार शुरू कराते हैं, फिर वाइस सिटी बदनाम हो जाएगी और यहाँ पे ज़मीन के दाम कम हो जाएंगे, फिर एवरी अंकल अपना धंधा अच्छी तरह से कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, ये कार वाला कैसे कार चलाता है। ओए मुन्ना, हमें पिंक सर्कल पे जाना है, वो बिल्कुल सामने ही मुझको दिख रहा है। हाँ भैया, बिल्कुल पास में ही है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। देखिए दोस्तों, हैतियन गैंग वालों ने पूरा रास्ता जाम कर रखा है, यहीं पे गाड़ी रोकता हूँ। मैं इनको फोड़ डालूंगा, तोड़ डालूंगा और इनका अंतिम संस्कार बर्बाद कर डालूंगा। ये देखिए, आया मुझसे लड़ने, अभी टपकाया मैंने, सबको टपका डालूंगा। हे दोस्तों, ये मुझे कोलंबियन समझ रहे हैं, मैं इनको बारी बारी से फोड़ डालूंगा। हे दोस्तों, ये भाग रहे हैं, मुझे इनका पीछा करना होगा। ओए मुन्ना, जिस कार पर हैतियन गैंग के सरगना की बॉडी है वो तो भाग रहा है। हे भैया, मुझे उस कार का पीछा करना है, इसी कार को मुझे फोड़ डालना है और फिर होगी गैंग वार शुरू। बच के जाएगा कहाँ, मैं तुझे फोड़ डालूंगा, यहीं पे फोड़ूंगा। मेरी पुरानी कार भी काफी मजबूत है दोस्तों, अब मैं इस पर गोलियां बरसाऊंगा, फिर लगेगी इसमें आग, और भी गोली चलाऊंगा दोस्तों, ये बचकर जा नहीं पाएगा। मैं किसी भी कीमत पर मिशन पूरा करूंगा। ए, ये मुझको टपका रहा है। देखिए दोस्तों, कार में आग लग गई और मुझे यहाँ से भागना होगा, मेरा मिशन होने वाला है पास। हे क्या बात है, $2,500 मिले हैं दोस्तों। चलिए अगले मिशन की तरफ चलता हूँ। It is my favorite El Burro movie. It died. What else can I do? It's probably not plugged in. What? Damn. No matter. I can buy 100 more. Now, Tommy. Each month, a freelancer sails into Vice City and moors his yacht. He sells his cargo to the first boat. I want you to take the speedboat and beat all the other shitheads to it. Then you bring the cargo here. Okay? स्वागत है दोस्तों आप सभी का। दोस्तों, आज टॉमी भैया आए हुए थे रिकार्डो दियाज के पास, जिसके लिए इन्होंने सबसे तेज चलने वाली बोट चुराई थी। तो आज रिकार्डो दियाज इन्हें नए मिशन पर भेज रहा है। देखिए दोस्तों, नया मिशन शुरू हो चुका है और इस मिशन में टॉमी वर्सेटी भैया का साथ देने आया है लैंस वैंस। दोस्तों, मिशन ये है कि वाइस सिटी में एक सौदागर हर साल हथियार बेचने आता है, लेकिन वो हथियार उसी को बेचता है जो उसके पास सबसे पहले पहुंचता है। तो हमें आज रेस लगानी होगी और हमारे खिलाफ में और भी बोट वाले हैं, लेकिन हमारे पास है सबसे फास्ट बोट। हम पहुंचेंगे उस सौदागर के पास। ओए मुन्ना, बोट संभाल के चला, हमें इन नालों और नहरों से गुजरना है, वरना हमारी बोट टकरा जाएगी और हम लेट हो जाएंगे, फिर वो सौदागर हमें हथियार नहीं बेचेगा। ओए हे भैया, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मुझे किसी भी हाल में फर्स्ट आना है। दोस्तों, हमें जाना है पिंक सर्कल पे, आराम से चलाऊंगा मैं ये बोट, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी मोड़ है, कहीं भी मैं टकरा सकता हूँ और मेरी बोट टूट फूट सकती है। चलिए दोस्तों, आए बोट टकराई, मेरे पास समय कम है, जल्दी से भागना होगा, बाकी बोट वाले भी आ रहे हैं।
ओए मुन्ना संभाल के चला और पूरी तेजी में चला। हाँ भैया मैंने पूरा स्लेटर धोवा रखा है और ये पहुंच गए हम बोट के पास। सौदागर से हमने हथियार खरीदे और हम जाएंगे अब रिकार्डो दियाज के पास। लेकिन ये क्या, ये लोग जलन से हमारे पीछे पड़े गए और हम पर गोलियां बरसा रहे हैं। ओए मुन्ना तो हमारे पास भी बंदूक है, हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं, ये हमारा हथियार लूट नहीं पाएंगे, हमने पैसे देकर खरीदे हैं सौदागर से, कोई फ्री में नहीं लिया। हे भैया ये बात इनको कौन समझाए, ये तो हमसे जलन कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये हथियार हमें कैसे मिल गए। ओए मुन्ना जलने वालों को जलने दे, तू बस गोलियां चलाता रह और इनको फोड़ डाल। हाँ भैया मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को, हेलीकॉप्टर से हमला करने आ रहे हैं, रास्ते से भी हमला कर रहे हैं, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को, हेलीकॉप्टर को भी मैं फोड़ डालूंगा, किसी को छोड़ना नहीं है मुझको। ओए मुन्ना ये देख हेलीकॉप्टर में आग लग गई। अरे भैया अब हम जल्दी से यहाँ से भाग जाते हैं, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है दोस्तों, और भी आ जाओ बारी बारी से। दोस्तों लैंस वैंस बोट चला रहा है और मैं गोलियां चला रहा हूँ, हम खुले समंदर में आ चुके हैं दोस्तों, अब हमें जल्दी से रिकार्डो दियाज के पास जाना होगा, जो है पिंक कलर के सर्कल पे, इसे भी मैंने मार डाला। चलिए बिल्कुल पास में ही है पिंक सर्कल। ओए मुन्ना रिकार्डो दियाज का घर काफ़ी शानदार है, काश ये घर हमारा होता। ए भैया सब्र कीजिए, जब पैसे होंगे तो ऐसा घर भी मिलेगा। दोस्तों हम आ चुके हैं रिकार्डो दियाज के पास और उसे हथियारों का खेप जमा कर देते हैं और हमारा मिशन पूरा हो जाएगा। चलिए $10,000 मिले रिकार्डो दियाज ने हमें दिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।